इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और अब शुरू हो रहा है सबसे बड़ा इलेक्शन शो, अब की बार किसकी सरकार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन खबरों की, उन सियासी हलचलों की जो 2022 के दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। आज की तीन बड़ी खबरें कौन सी हैं? सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज तीन बड़ी खबरें कौन सी जिन पर नजर हमारी रहेगी। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश पर दिल्ली में बड़ा फैसला हो चुका है। ब्लूप्रिंट तैयार है, टारगेट तैयार है, योगी की नई टीम रेडी है। बीजेपी के दो दिन के मंथन में क्या निकला, डिटेल के साथ आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी हमारी नजर, जहां अखिलेश का प्लान 5 अगस्त तैयार है। जी हां, जिसके जरिए वो 2022 में अपनी बाइसिकल दौड़ाने का सपना देख रहे हैं, तो ये भी आपके सामने रखेंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से ही है, ओवैसी का OMD कार्ड। जी हां, सियासत में ओवैसी भी उत्तर प्रदेश की सियासत में कूद चुके हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है ओवैसी का ये OMD कार्ड, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जातिगत समीकरणों को लेकर, क्षेत्रगत समीकरणों को लेकर सब कुछ साधते हुए बीजेपी ने अपने सांसदों और मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2022 के लिए ये जिम्मेदारी सांसदों और मंत्रियों को दी गई है। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात कही गई है और मैसेज क्लियर है, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। साथ ही 16 अगस्त से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तो ये ब्लूप्रिंट है, जितनी जल्द से जल्द। अब आप ये देखिए, ये नई टीम जो है उसमें 84 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। ये कुल दो दिन का मंथन था जो दिल्ली में चला, उसके बाद ये तय किया गया कि सांसदों की जिम्मेदारी रहेगी अपने अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने की। 403 सीट का लक्ष्य रखा गया है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, बीजेपी ये कहती है। और इसके लिए जो रोड मैप तैयार किया गया वो ये कि 84 सांसद अब अपने अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचेंगे। फॉर्मूले के तहत एक सांसद के पास अपने इलाके में आने वाली 6 से 8 विधानसभा सीटों का जिम्मा होगा। एक मंत्री के पास 3 लोकसभा के तहत आने वाले करीब 24 से 25 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा मीटिंग में बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी 84 सांसदों को कुछ खास निर्देश दिए हैं। क्या समझाया है वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या बताया गया है इन महामंथन में। सेवा ही संगठन का मंत्र है। जी हां, इस पर काम करने के लिए कहा गया है। सांसदों को अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने की बात कही गई है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई है। सत्र के बाद नए मंत्री भी जो है वो भी क्षेत्र का दौरा करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, बूथ कार्यकर्ताओं तक पहुंच बढ़ाएंगे, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और हफ्ते में 2 बार वैक्सीन सेंटर पर भी जरूर जाने की बात कही गई है। जिन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है वो बात और लोगों के बीच में मुखरता से पहुंचे, उनके लिस्ट बनाए, साथ ही सोशल मीडिया पर योजनाओं का प्रचार करें। हर हफ्ते क्षेत्र की राशन की दुकानों पर जाएं, प्रधानमंत्री गली कल्याण योजना के तहत पूरी व्यवस्था देखें, सुनिश्चित करें कि लोगों को राशन के पैकेट सही समय पर दिए जा रहे हैं, सही अनुपात में दिए जा रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री और क्षेत्र के सांसद की तस्वीर हो। यानी 0 से लेकर 100 तक की तमाम तैयारियां की गई हैं इस वक्त बीजेपी की ओर से। बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, 2022 में 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करने का टारगेट है। सेवा ही संगठन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मोदी जी का ये महामंत्र उत्तर प्रदेश का चुनाव ही नहीं हर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और किन किन योजनाओं को लेकर जाएंगे? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इससे बड़ा मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता। जनसंख्या कानून की मांग की जा रही है, जनसंख्या कानून बनाया जाना चाहिए, ये प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का विषय है, हम साथ हैं उनके। कोई चुनौती देख रहे हैं आप प्रदेश में समाजवादी पार्टी ना? मुझे कहीं कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही, पर मुझे लगता है ये जो शोर मचा रहे हैं चिल्ला रहे हैं वो चुनौती दे नहीं पा रहे हैं, यही उनका अरण्य रोदन है। जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जितनी हमारी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं से प्रदेश के लोग लाभान्वित हुए हैं और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछला जो हमें बहुमत मिला था उससे कहीं अधिक बहुमत से पक्का जीतेंगे। कितनी सीटें जीतने का टारगेट रखा गया है? 350।
कुछ तबके नाराजी बताया जा रहा है, किसान हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे उन तक कैसे रिच आउट करेंगे? कहाँ ब्राह्मण नाराज, आप कहाँ लगता है, मुझे तो कहीं लगता नहीं। ब्राह्मण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को कैसे जनता तक पहुंचाना है, इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन बड़ी रणनीति क्या है वो आप जानिए। उत्तर प्रदेश के चुने गए नए 7 मंत्रियों को लेकर ये एक खास रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी इस बार 7 नए चेहरों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रही है। केंद्र में बने उत्तर प्रदेश के नए केंद्रीय मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है कि सत्र समाप्त होने के बाद वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसे जन आशीर्वाद का यात्रा का नाम दिया जाएगा। इस यात्रा में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 33 नए मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है, और खास बात यह है कि इन 43 नए मंत्रियों में 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्रियों को इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल सकते हैं। सभी सांसदों को गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। कोरोना काल में सरकार के द्वारा किए गए कामों के बारे में भी लोगों को जानकारी देनी है। मतदाता सूची और पुनर्निरीक्षण अभियान और बूथों के गठन में सांसदों की भागीदारी तय की जाएगी। सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाकर वैक्सीन की क्या स्थिति है, लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, दूसरी डोज लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भी कहा गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस खबर पर जुड़ गए हैं। महामंथन आनंद कर लिया गया है, इसका निचोड़ क्या निकाला गया? देखिए, मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं कि जो 2 दिन तक बैठक चली है बीजेपी के सांसदों की, जो यूपी से आते हैं, उसमें सभी सांसदों को एक एक बुकलेट भी दी गई है, और उस बुकलेट के ऊपर लिखा हुआ है कि जो वर्षों में यूपी में नहीं हो पाया वो 4 साल में करके दिखाया, और उस बुकलेट के अंदर 4 साल में योगी सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए और समाज के दूसरे तबकों के लिए, सबका जिक्र है। और सभी सांसदों को कहा गया है कि जब आप क्षेत्रों में जाए लोकसभा और राज्यसभा खत्म होने के बाद, तो ये बुकलेट अपने साथ में ले जाए और इसके बारे में सभी जनता को, जो भी वहां कार्यकर्ता है उनको इसकी जानकारी दे, और ये सारा मैसेज जो है नीचे स्तर तक पहुंचाए। और खासतौर से किसानों को लेकर उसमें एक अलग से चैप्टर है कि किसानों को कैसे 78 लाख से ज्यादा किसानों को अब तक 78,000 करोड़ MSP पे खरीदी की गई, यानी कि 78,000 करोड़ किसानों को उनके खाते में ट्रांसफर किए गए इन 4 सालों में। तो ऐसे में किसानों को लेकर अगर कोई बरगलाता है और कृषि कानूनों को लेकर कोई बरगलाता है, तो इसकी जानकारी आप उन किसानों को दीजिए, उन लोगों को भी दीजिए कि सरकार जो है किसानों से लेकर युवाओं और बाकी जो तबके हैं सबके लिए काम कर रही है, और यही वजह है कि सांसदों को एक बात ये समझी जा सकती है आनंद की, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस तक सरकार की पहुंच होनी चाहिए, इसके लिए ये पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आनंद आपका। और अब इलेक्शन शो में आज की दूसरी बड़ी खबर पर चर्चा। मिशन 2022 के लिए अखिलेश यादव ने प्लान 5 अगस्त तैयार किया है। पूरा प्लान आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी 5 अगस्त पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में साइकिल यात्रा निकालने जा रही है, और इस दौरान अखिलेश यादव एक बार फिर से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने वाले हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा के दौरान महंगाई का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया। 5 अगस्त को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर यह यात्रा निकाली जाएगी। अब आप ये देखिए अखिलेश का प्लान 5 अगस्त क्या है। बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालने वाले हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन ये पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि BSP की जो रणनीति है उसकी काट समाजवादी पार्टी के पास भी है। वो प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 अगस्त तय की गई थी ये तारीख, लेकिन बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की खबर बाहर आते ही समाजवादी पार्टी ने तारीख बदल दी, तो दूसरी ओर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर साइकिल यात्रा करने का भी ये पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। मायावती के प्रबुद्ध सम्मेलन का जवाब अखिलेश यादव के प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सामने आने वाला है, और टारगेट पर एक बार फिर से ब्राह्मण वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी ने भी इस ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया। जाति समीकरण को साधने की ये कोशिश है। ब्राह्मण सम्मेलन कहें या प्रबुद्ध सम्मेलन कहें, इसकी शुरुआत बलिया से होने वाली है। अखिलेश यादव खुद इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, उन्हीं के जरिए इसकी शुरुआत होगी। अखिलेश यादव ने प्रबुद्ध सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे और अभिषेक मिश्र के अलावा पूर्व विधायक सनातन पांडे और संतोष पांडे को दी है।
इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए, हम सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। लगता है चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनकी उनके नजर में ब्राह्मणों का वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मीनाक्षी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, यही वजह है कि जो पार्टियां विपक्ष में इस समय हैं उनको भी इस कदर में आना पड़ा है और इसी कड़ी में उन्होंने भी अपने सम्मेलनों की शुरुआत की है। और अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो उन्होंने सबसे पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की, हालांकि ये ब्राह्मण सम्मेलन पहले हुआ करता था लेकिन बाद में उसका नाम चेंज किया गया। समाजवादी पार्टी का जो प्रस्तावित सम्मेलन था वो 23 अगस्त से शुरू हो रहा था लेकिन उसको भी प्रीपोन किया गया है और अब 5 अगस्त से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो समाजवादी पार्टी का होगा इसकी शुरुआत बलिया की जा रही है, जिसमें अभी जैसा आप जिक्र कर रही थी कि मनोज कुमार पांडे को, अभिषेक मिश्रा को और माता प्रसाद पांडे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि इस सम्मेलन को उनको पूरे उत्तर प्रदेश में कामयाब बनाना है। और साथ ही ये भी तय हुआ है कि 5 अगस्त से ही स्वर्गीय जो जनेश्वर मिश्र हुआ करते थे उनकी याद में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेगी और ये कोशिश करेगी कि जिस तरीके से माहौल शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के, उसमें वो अपनी देखना यही होगा कि ये साइकिल यात्रा किन किन घरों तक पहुँचती है और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक अखिलेश यादव को पहुँचा पाती है या नहीं। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका शुक्रिया। तो हमने इलेक्शन शो में अभी तक आपको बताया कि किस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन की भी रणनीति आपके सामने है। तो वहीं अब एक और नया समीकरण साधने में जुटे हुए हैं ओवैसी। उत्तर प्रदेश में सम्मेलन की सियासत तेज है तो ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद ओवैसी में अब उत्तर प्रदेश में नया सम्मेलन लेकर आए हैं और ये सम्मेलन कुछ अलग है। इसे दिया गया है वंचित समाज सम्मेलन, यानी आप ये समझिए अगर ब्राह्मणों को साधने की कवायद में मायावती और अखिलेश यादव हैं तो असदुद्दीन ओवैसी एक नया समीकरण बना रहे हैं जिसमें वो अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग, मुस्लिम वर्ग और दलित वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आपको बताते हैं ओवैसी जिस वंचित समाज का दाव उत्तर प्रदेश में चलने वाले हैं उसके जरिए ओवैसी की नजर कहां है। उस ओएमडी कार्ड का मतलब हम आपको बता रहे हैं, ओ मतलब ओबीसी, एम मतलब मुस्लिम और डी मतलब दलित वर्ग। तो ये समीकरण वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जरिए, इन तीनों के जरिए ओवैसी को उत्तर प्रदेश की सियासत साधने की तैयारी जो है एक एक करके आप देखेंगे। दलित वर्ग वो वर्ग जो मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, मुस्लिम वर्ग वो जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहता था लेकिन अब ओवैसी की तैयारी ये कि ये ताकत उनके साथ जुड़ जाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।